हे गाइस, मेरा नाम अब्दुल राशिद और आप देख रहे हैं द इंडियन बजट गेमर। आज की इस वीडियो में लोग बात करने वाले स्पाइडरमैन रिमास्टर्ड पीसी वर्जन के बारे में। फाइनली ये गेम हमारे पीसी प्लेटफॉर्म पे आ चुका है। मैं आपको बता दूं, जो लोग इसके बारे में नहीं जानते, ये गेम PS4 के लिए बहुत पहले आया था, फिर वापस इसका रिमास्टर्ड बनाया गया जो कि PS5 के लिए आया, और ये वर्जन अब फाइनली पीसी के लिए भी आ चुका है। अगर आप इसे ओरिजिनल वर्जन से कंपेयर करते हो तो थोड़ा बहुत रे ट्रेसिंग और ग्राफिकल ट्विकिंग थोड़ी बहुत की गई है। अब ये गेम जैसे कि बहुत पॉपुलर है PlayStation 5 प्लेटफॉर्म पे, पीसी के लिए आया है, तो बहुत सारे लोग ऐसे भी थे पीसी प्लेटफॉर्म के लिए इसे खरीदना चाहते थे या इसे खेलना चाहते थे। ऑनलाइन अगर आप इसे लेने जाते तो भाई 5,000 रुपये की इसकी लॉन्चिंग प्राइस है, जो कि भाई मेरे हिसाब से तो बहुत ज़्यादा है। इतनी ज़्यादा है भाई, बहुत शौकिया जो लोग होंगे भाई वही खरीदेंगे। तभी मैंने इस गेम को भाई परचेस कर लिया, और मेरे पास बहुत सारे बजट सेगमेंट के ग्राफिक्स कार्ड थे, जो कि आज के टाइम पे आप जाकर मार्केट में लेने जाते हो तो सबको आसानी से खरीद सकते हो, और ये काफ़ी पॉपुलर ग्राफिक्स कार्ड भी हैं। सभी ग्राफिक्स कार्ड पे मैंने स्पाइडरमैन खेली है काफ़ी देर तक, और सभी को मैंने बेंचमार्क किया है ताकि मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोग के साथ शेयर कर सकूं। इस गेम को डाउनलोड करना बहुत बड़ी हड्डी है, 54 GB का है, 54 GB का, तो ऐसा ना हो भाई आप लोग डाउनलोड करो और फिर आपके पीसी पे चले ना, तो भाई आपकी भी खल जाएगी। इसीलिए ये सब काम मैंने किया अपने पीसी पे, आप लोग को यहाँ पर फुल्ली आइडिया हो जाएगा। अब आपका पीसी स्पाइडरमैन चला पाए या नहीं चला पाए इस बारे में तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन एक चीज़ ज़रूर आपको ट्राई करनी चाहिए, जो कि हमारी स्पॉन्सर की तरफ से विंडोज़ 10 और विंडोज़ 11 की कीज़। अगर आप यहाँ पर चीप में एक्टिवेशन कीज़ खरीदना चाहते हो तो आप हमारे स्पॉन्सर्स की वेबसाइट को चेक कर सकते हो, वहाँ पर आपको OEM की केवल 650 रुपीज़ की देखने को मिल जाती है, और अगर आप हमारा कूपन कोड यूज़ करते हो जो कि है TIBG350, तो वहाँ पर आपको एडिशनल डिस्काउंट भी देखने को मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इनकी वेबसाइट का लिंक और कूपन कोड दिया हुआ है, जाकर चेक कर सकते हैं। अब इससे पहले आप इस गेम को डाउनलोड करो, कुछ चीज़ें मैं मेंशन करना चाहता हूँ इस गेम के बारे में। देखो यार, ये गेम अभी रिसेंटली रिलीज़ हुआ है एक दो दिन पहले, तो यार इसमें बग्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। सबसे पहला यहाँ पर बग्स तो ये है कि ऑडियो से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा इशू आने वाला है, ये गेम कभी कभी बीच बीच में लैग भी करने लगता है, तो अगर आप इसे अभी डाउनलोड करते हो तो ये सारे बग्स आप हो सकता हो फेस करो। बाकी ऑप्टिमाइजेशन से रिलेटेड यहाँ पर जो काम हुआ वो फैंटास्टिक हुआ है, बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिला हमें इवन बजट सेगमेंट के ग्राफिक्स कार्ड पे, हालांकि कहीं कहीं पर स्लो डाउन भी हुआ है, वो भी हम लोग थोड़ी देर में मेंशन करेंगे। इस गेम में मुझे एक चीज़ ये अच्छी लगी है कि यहाँ पर जो आपको ग्राफिकल ऑप्शन देखने को मिलते हैं ना भाई, वो बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ पर आपको वेरी लो, लो, मीडियम, हाई, वेरी हाई का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पर आपको अप स्केलिंग टेक्नोलॉजीज़ भी देखने को मिलती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप NVIDIA साइड के ग्राफिक्स कार्ड यूज़ कर रहे हो तो आपको DLSS भी देखने को मिलेगा, FSR 2.0 का भी सपोर्ट देखने को मिलता है। बाकी एक इनकी खुद की एक इनबिल्ट अप स्केलिंग टेक्नोलॉजी है, जिसको कि आप चाहो तो यूज़ कर सकते हो। पर्सनली मैं रिकमेंड करता हूँ आप कोई सा भी ग्राफिक्स कार्ड यूज़ कर रहे हो, FSR 2.0 यूज़ करना, वो आपको बेहतरीन क्वालिटी प्रोवाइड कर देता है। साइड बाय साइड यहाँ पर हम लोग कंपेरिजन भी दिखा दे रहे हैं, आप देख सकते हो FSR 2.0 और नेटिव रेजोल्यूशन के बीच कितना डिफरेंस आता है। अब इस गेम को बेंचमार्क करने के लिए यहाँ पर जो हम लोगों ने टेस्ट बेंच बिल्ड करी हुई है, वहाँ पर हम लोगों ने यूज किया है Ryzen 9 5950X 128 GB की रैम, और हमारा ग्राफिक्स कार्ड है वो ये सारे, और हमारा गेम SSD पे पड़ा हुआ है। सबसे पहला और सबसे बजट सेगमेंट का जो हम लोग ने ग्राफिक्स कार्ड यूज़ किया ना हमारी टेस्टिंग में, वो है AMD का RX 6400। इस ग्राफिक्स कार्ड पे अगर आप स्पाइडरमैन को खेलते हो 1080p मीडियम सेटिंग पे, तो यहाँ पर जो आपका एक्सपीरियंस होता है वो बहुत ही इंप्रेसिव होता है। ऑन एवरेज यहाँ पर आपको लगभग 54 FPS देखने को मिलता है, और 0.1% लोस जाता है वो है लगभग 32 FPS। तो अगर आप केवल स्पाइडरमैन खेलना चाहते हो और ग्राफिकल सेटिंग भी ठीक ठाक मेंटेन रखना चाहते हो 1080p रेजोल्यूशन पे, 6400 पे भी आप आराम से इस गेम को खेल सकते हो। अब नेक्स्ट ग्राफिक्स कार्ड जो यहाँ पर हम लोग ने टेस्ट किया वो है 1050 Ti। तो भाई बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है यूज मार्केट में, आज आराम से आपको 5-6 हज़ार रुपये का ढूंढने निकलते हो तो मिल जाता है। इस ग्राफिक्स कार्ड पे अगर आप स्पाइडरमैन खेलते हो वो भी 1080p हाई सेटिंग पे, तो यहाँ पर जो आपका एक्सपीरियंस होता है भाई वो बहुत ही ज़्यादा फैंटास्टिक होता है। आपको ऑन एवरेज फ्रेम रेट जो देखने को मिलते हैं वो है लगभग 50 FPS, और मिनिमम जाता है 32 FPS। तो आप समझ सकते हो यहाँ पर जो आपका एक्सपीरियंस होता है ओवरऑल वो बहुत अच्छा होता है। अगर आप 60+ FPS अचीव करना चाहते हो तो आप मीडियम सेटिंग पे भी खेल सकते हो, लो सेटिंग पे भी जा सकते हो। मुझे ये चीज़ अच्छी लगी कि इतना पुराना ग्राफिक्स कार्ड पे भी अगर आप हाई सेटिंग पे ये गेम खेलते हो ना तो 50 FPS मिल रहे हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। अब नेक्स्ट ग्राफिक्स कार्ड जो यहाँ पर हम लोगों ने टेस्ट किया वो है 1650 Super। इस ग्राफिक्स कार्ड के बारे में बताऊँ तो भाई ये वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर बजट सेगमेंट का ग्राफिक्स कार्ड है, जो कि आज भी सेल हो रहा है मार्केट में। इस ग्राफिक्स कार्ड पे अगर आप स्पाइडरमैन 1080p हाई सेटिंग पे खेलते हो ना, तो यहाँ पर जो आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस होता है वो बहुत ही ज़्यादा फैंटास्टिक होता है। ऑन एवरेज यहाँ पर आपको 71 FPS देखने को मिलते हैं, और मिनिमम आपका 44 FPS देखने को मिल जाता है। तो अभी यहाँ पर अगर आप स्पाइडरमैन खेलना चाहते हो, 1650 Super आपको बेहतरीन एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर देता है।
अब नेक्स्ट ग्राफिक्स कार्ड जो यहाँ पर हमने टेस्ट किया है वो है 1660 सुपर। इस ग्राफिक्स कार्ड के बारे में बताऊं तो ये वन ऑफ दी बेस्ट 1080p लेवल का ग्राफिक्स कार्ड है। इस ग्राफिक्स कार्ड पे अगर आप स्पाइडरमैन खेलने जाते हो 1080p हाई सेटिंग पे तो यहाँ पर जो आपका एक्सपीरियंस होने वाला है भाई वो बहुत ही ज्यादा इंप्रेसिव होता है। ऑन एवरेज यहाँ पर आपको लगभग 91 FPS देखने को मिलते हैं और मिनिमम जाता है 54 FPS। तो आप समझ सकते हो 1660 सुपर में यहाँ पर आपका कैसा एक्सपीरियंस होता है। हालांकि यहाँ पर आपको एक वेरी हाई सेटिंग का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है, तो अगर आप उसे ऑन करना चाहो तो ऑन कर भी सकते हो, लेकिन मैं मानता हूँ हाई सेटिंग मोर देन इनफ है। अब नेक्स्ट ग्राफिक्स कार्ड यहाँ पर जो मैंने बेंचमार्क किया है वो है RTX 3050 भी आजकल काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है। अगर आप उस ग्राफिक्स कार्ड को मार्केट में लेने जाते हो तो लगभग आपको 27-28 हज़ार रुपये का देखने को मिलता है। इस ग्राफिक्स कार्ड पर अगर आप स्पाइडरमैन चलाते हो 1080p हाई सेटिंग पे तो यहाँ पर जो आपका एक्सपीरियंस होता है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। ऑन एवरेज यहाँ पर आपको लगभग 107 FPS देखने को मिलते हैं और मिनिमम जाता है 55 FPS। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस यहाँ पर आपका काफ़ी ज़्यादा स्मूथ होता है, स्पाइडरमैन खेलने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, गेम यहाँ पर आप काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करने वाले हो। अब लास्ट बट नॉट लीस्ट यहाँ पर जो मैंने ग्राफिक्स कार्ड टेस्ट किया ना वो है AMD का RX 6650 XT। इस ग्राफिक्स कार्ड के बारे में बताऊँ तो ये वन ऑफ दी बेस्ट ग्राफिक्स कार्ड है AMD साइड से अगर आप 1080p लेवल की गेमिंग करना चाहते हो और थोड़ा सा फ्यूचर प्रूफ होना चाहते हो। इस ग्राफिक्स कार्ड में यहाँ पर अगर आप स्पाइडरमैन चलाते हो 1080p हाई सेटिंग पे तो आपका एक्सपीरियंस फैंटास्टिक होता है भाई। ऑन एवरेज यहाँ पर जो आपको फ्रेम रेट देखने को मिलते हैं वो है 125 FPS, जो कि मैं मानता हूँ बहुत 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 ज़्यादा हाई होते हैं, और मिनिमम आपको जो देखने को मिलता है वो है केवल 70 FPS। तो लैग या सटर देखने को यहाँ पर नहीं मिलता है, स्पाइडरमैन को आप काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करने वाले हो। अब इतने सारे बेंचमार्क देखने के बाद यहाँ पर एक चीज़ तो क्लियर हो जाती है कि अगर आप आज के टाइम पे स्पाइडरमैन डाउनलोड करके अपने PC में खेलना चाहते हो और आपके पास थोड़ा सा लो एंड सेगमेंट का ग्राफिक्स कार्ड है या थोड़ा सा पुराना ग्राफिक्स कार्ड है तो भी आप अपने PC पे इस गेम को आराम से खेल सकते हो। मिनिमम आपको एटलीस्ट 750 Ti जैसा ग्राफिक्स कार्ड की जरूरत पड़ेगी। हालांकि मैंने 750 Ti को टेस्ट नहीं किया है तो हो सकता हो थोड़े बहुत इशूज फेस हों, आपको उसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। हालांकि यहाँ पर मैं एक चीज़ और मेंशन करना चाहता हूँ, बेंचमार्क करते टाइम एक चीज़ मैंने ये भी नोटिस करी है कि परफॉर्मेंस से रिलेटेड थोड़ा बहुत कहीं कहीं पे इशू आता है। दैट्स वाई यहाँ पर आपको 1% जो लोज है ना वो इतना कम देखने को मिल रहा है। सिटीज़ में जहाँ पर पेड़ वेड़ हैं या बहुत ज़्यादा ओपन एरिया वहाँ पर आप जाते हो, पेड़ के बीच से जब आप स्विंग करते हो ना तो फ्रेम ड्रॉप आने लगते हैं। तो ये चीज़ क्लियरली बताती है कि ट्रीज़ को ना अभी उतने अच्छे से ग्राफिकली ऑप्टिमाइज नहीं किया गया है, दैट इज़ वाई फ्रेम ड्रॉप देखने को मिल रहा है। हो सकता है जो डेवलपर्स हैं वो फ्यूचर में अपडेट के थ्रू इस चीज़ को फिक्स भी कर दें, तब आपका हो सकता है और भी ज़्यादा बेटर एक्सपीरियंस होगा। वेल तो दोस्तों ये इस वीडियो में आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को बस जल्दी से लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को, क्योंकि हम लोग लाते रहते हैं ऐसे डेली ऑसम कंटेंट। तब तक देखने के लिए थैंक यू।